प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया। महाकाल की नगरी में पीएम मोदी ने शिव भक्तों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ रहे। अब इस आयोजन के वीडियो का एक हिस्सा जमकर वायरल हो रहा है और लोग खूब मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई है कि आखिरी सीएम की जेब में ऐसा क्या था कि उन्होंने पीएम मोदी के पास में होने के बावजूद जेब से निकाला और नजरें बचाकर तपाक से मुंह में डाल दिया। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं तो मीम्स बनाने में भी जुट गए हैं। दरअसल वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी और शिवराज आसपास बैठे हैं, मंच में घोषणाएं हो रही हैं, तभी शिवराज सिंह चौहान धीरे से जेब में हाथ डालकर कुछ निकालते हैं और तपाक से मुंह में डाल लेते हैं। उसी वक्त पीएम मोदी भी उनकी ओर देख पड़ते हैं और शिवराज हड़बड़ा जाते हैं। दरअसल जिस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान का ध्यान जेब में रखे सामान की ओर था, तभी मंच से यह ऐलान हो जाता है कि वह पीएम मोदी का स्वागत करें। कुछ ही पलों में हुए इस पूरे घटनाक्रम में लोगों ने मजे लेने के लिए भरपूर मौका मिल गया। विनय कुमार नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, मामा शिवराज सिंह चौहान जैसे ही चिनिया बादाम खाए पीएम मोदी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सीएम शिवराज सक पका गए। इतिहास में मोदी द्वारा बोली गई बात एकदम सटीक बैठी रही है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक अन्य यूजर ने लिखा, बारात दरवाजे पर हो और कोई घराती चोरी से गुलाब जामुन खा रहा हो, इस बीच अचानक बिटिया का बाप जम से सामने खड़ा हो जाए तो ऐसी ही स्थिति बनती है जैसे शिवराज मामा के साथ बन रही। एक यूजर ने लिखा, मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल लोक में मोदी बैठे थे शिवराज के बाजू और मामा दबा कर खा रहे थे काजू। मैं हार गया।